उन्हों लीडर ही नहीं है सर, भगवंत खोबा लीडर नहीं है, उन्हें इंसान है नहीं है उनके पास। खुले आम उसको यहाँ पे रोड पे अटैक करते, माँ बहन गिनते उनका। कल रैली में गले में हाथ डाला और गले में हाथ डाल के तो मैं उन एक ही है और बोलता आत्मा वो तो अतृप्त आत्मा गोल्डन बसो कल्याण ये ना गला बसो कल्याण जन हुशियार रहा हमारे को पूछ रहे थू बोल के गाले दे रहे लोग उनका पास इंसानियत है ना पूछो बोल के। ठंडा पानी से नहा लिए तो कैसा होता ना, तो फ्रेश हो गया आज मैं। मेरे बेटी एक मैसेज करती परसों, डैडी ने वो कुछ दे रही बोल के, डैडी तुम पागल है बोल के। अब बाय इलेक्शन है कि मैं क्या वजह था उनका देने के लिए, कितना तकलीफ हुआ, कितना भ्रष्ट बसवा कल्याण बनाए उन्होंने बीजेपी वाले ने। जो बसवाणा का फोटो, अंबेडकर साहब का फोटो, शिवाजी महाराज का फोटो, बुद्धा बसो अंबेडकर, हम तत्व सिद्धांत के, अन्ना बसवाणों का नाड़ का है ये हमारा पार्टी, जन भारतीय जनता पक्ष है, हम हिंदुत्व के लिए लड़ते, हिंदुत्व के लिए मरते, हम तत्व सिद्धांत है। कौन सा तत्व सिद्धांत है? राम के ऊपर तुम राजकीय को कर रहे, हिंदुत्व को हिंदू लोगों को इमोशनल करके तुम ये कर रहे। जैसे ओबीसी तो पूरा नाराज है, मैं ओबीसी वालों को तो रिक्वेस्ट करता हूँ, बीजेपी पार्टी अपना है ही नहीं है, ओबीसी लोगों को स्क्रैप करने का मशीन है बीजेपी, कचरा बना देंगे आप पूरा लेके। हमको क्या कर रहे हैं, पूरा लेके स्क्रैप करके छोड़ दिए। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। बसवा कल्याण में पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह से सोचा गया था उस तरह से बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना कांग्रेस के लिए, ना जेडीएस के लिए, ना और ना ही बीजेपी के लिए। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में जिस तरह से बीजेपी के लोकल लीडर, वोकल ऑफ लोकल जिसे कहा जाता है, यानी ज़मीन की आवाज़ जो थी बसवा कल्याण लोकल की, वो पूरी तरह से बीजेपी ने नेगलेक्ट कर दी, जिसका नुकसान बीजेपी को होता हुआ पूरे स्टेट में नज़र आ रहा है। ना ही सिर्फ बसवा कल्याण बल्कि पूरे स्टेट में बीजेपी के लीडर्स बीजेपी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। बात करें बसवा कल्याण की, तो बसवा कल्याण में बीजेपी का टिकट मिला है शरणु सलगर को, जिसकी पूरी मुखालिफत पूरी लोकल बॉडी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी और यहाँ तक के बाहर का कहकर इस तरह से नकार दिया गया है, मगर फिर भी बीजेपी ने टिकट शरणु सलगर को दिया, जिसकी बुनियाद पर बसवा कल्याण के जितने बड़े बड़े लीडर थे, जिनकी पहुंच बेंगलुरु, बीदर या फिर कह लीजिए दिल्ली तक भी मानी जाती थी, जिनकी आवाज़ दिल्ली तक सुनी जाती थी, उनकी भी आवाज़ को नकार दिया गया। इसी के रद्द अमल में बसवा कल्याण के एक बहुत बड़े लीडर, बीदर में एक बहुत बड़ी आवाज़ जिन्हें माना जाता है बीजेपी की, माना जाता था जनाब गुंडू रेड्डी सर, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन आज ही कर चुके हैं। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में और हमारे पोस्ट में आपने देखा होगा कि गुंडू रेड्डी सर ने कांग्रेस ऑफिशियली ज्वाइन कर ली है। सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। रीज़न क्या रहेगा आज के दिन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? आपने कांग्रेस ज्वाइन की, बीजेपी छोड़ दी, क्या कहेंगे? ठंडा पानी से नहा लिए तो कैसा होता ना, तो फ्रेश हो गया आज मैं। वहाँ पे जो बोलने का एक चलने का एक, तो कौन सा तत्व सिद्धांत, कौन से भी नहीं रहा हूँ बीजेपी में बोलने के चलने के, उनका आत्मा में जो है वो बाहर नहीं है, माइक में जो आता वो सही नहीं है। वजह क्या है, क्यों हुआ ऐसा? सर इतना साल से हमारा काम देखे, तुम पक्ष के लिए करे सो घर का खर्च कर ले के तन मन धन से, मैं क्या मेरे को क्या नॉमिनेट नहीं बनाए? मैं पॉलिटिकल आए सो मैं लोगों का सेवा करने के लिए, कभी मैं पब्लिक को छोड़ के नहीं रहा। टोटल कहाँ कौन सा टास्क दिया वो मैं करा हूँ पार्टी में। आपके बारे में बसवा कल्याण में कहा जाता था पीपल्स लीडर। मैं पब्लिक का, गरीबों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। फल नहीं मिला आप कह रहे हैं? तो काम करे तो मिलना ना सर। अब वो तो एक ड्राइवर है एक गाड़ी टेम्पो का, वो ड्राइविंग करता बोले तो उसको पगार दे देना ना मैंने जी। इतना जवाबदारी ले के ईमानदारी से आप जो जो बोले हम करे नहीं करे। मैं दो बार तालुक पंचायत अध्यक्ष था बसवा कल्याण का जी। जितना काम करे सो था, कोविड में भी दुनिया का काम करा मैं कंटिन्यू। पब्लिक मेरे घर पे मेरे को किराना लाओ बोल के नहीं बोलते, घर से वो बाहर निकलने तक घर का, घर से बाहर निकले तो मैं कहाँ जाता हूँ, कब आता हूँ रात में नहीं मालूम घर पे। मेरे बेटी एक मैसेज करती परसों, डैडी ने वो कुछ दे रही बोल के, डैडी तुम पागल है बोल के, क्यों अम्मा बोल के पूछा, क्यों ना मक्कड़ तो बच्चे पढ़ रहे नहीं, खाए नहीं, कहाँ है कैसा है वो, एक दिन हमको फ़ोन करके नहीं पूछा।
सुबह उठते ही जाते राजकीय राजकीय बोल लेते, उन्हों आए इन्हों आए घर के पास, सबका काम कर लेते रहे। तुम सबको मानते, अभी टिकट कट नहीं हुआ था उसे 2-3 दिन पहले। अच्छा, तो तुम सबको मानते, डैडी सब धोखेबाज है, मेरे को कितना तकलीफ होता। वजह क्या है, किसने ये चीज की है? देखो 2018 को हमनाबाद का मेरे को फाइनल हो गए सर, टोटल जिले के लीडर बीजेपी के, जो अब जिले के जो जितने भी है पूरे मिलके मेरा टिकट कट कराए। अब बाई इलेक्शन में क्या वजह था उनका देने के लिए, कितना तकलीफ हुआ, कितना भ्रष्ट बसवा कल्याण बनाए उन्होंने बीजेपी वाले ने। कभी उतना पैसे दिए, लोगों को खराब आदत डाल दिए, जीतने के बाद क्या क्या करे, हम उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत करे, करप्शन जितना कितना बढ़ गए, मटका इतना बढ़ गए बसवा कल्याण में, जो अधिकारियों को दलाली जो कर रहे ट्रांसफर कर लेके ला रहे, कितना पैसे ले रहे उनके पास, सही जो पूछने गए तो उनको तकलीफ होता, क्योंकि लोगों से हम हैं, लोगों का सेवा चाहते, लोगों का अच्छे के लिए, अच्छे के लिए हम फाइट करते हैं। अब वो ऑफिसर पैसे दे के आते, लेना किसकन पैसे है, पब्लिक का नहीं लेना काम करने के लिए जी। कहाँ तक आया बसवा कल्याण, पिस्तुला मिलते हैं दिन में बसवा कल्याण में, दिन में मर्डर होता बसवा कल्याण में, सरेआम रोड पे। ये कभी सुने बसवा कल्याण का, जो बसवाणा का फोटो, अंबेडकर साहब का फोटो, शिवाजी महाराज का फोटो, बुद्धा बसवा अंबेडकर, हम तत्व सिद्धांत के, अन्ना बसवाणों का नाड़ का है ये हमारा पार्टी, भारतीय जनता पक्ष है, हम हिंदुत्व के लिए लड़ते, हिंदुत्व के लिए मरते, हम पे तत्व सिद्धांत है। कौन सा तत्व सिद्धांत है, राम के ऊपर तुम राजकीय को कर रहे, हिंदुत्व को हिंदू लोगों को इमोशनल करके तुम ये कर रहे, क्या किसका भलाई कर रहे हैं, ओबीसी लोगों का भलाई कर रहे हैं क्या, नीचे रहे वाले गरीब लोगों का क्या है भलाई हो रहा, ये काम फुकट हो रहा बोलो, राशन कार्ड को इतना, एक पानी लेना इतना, मोटेशन को इतना, अब पंचायत में जाके पूछो क्या हालत बन गए। अब करप्शन जो नेता करप्शन ले रहे तो देना कहाँ से बोलोगा, और पब्लिक का नहीं लेना, वसूली पब्लिक करनी है फिर परेशान कौन हो रहे जी। ये अपोज नहीं करना, सच को सच नहीं बोलना। अमित शाह जी का उतना बड़ा प्रोग्राम करे, हमको एक पास नहीं दिया साहब, झंडा पकड़ के इतना, झंडे के नीचे इतना सोशल काम कर लेते, रात नहीं दिन नहीं, किसके लिए करे, पार्टी के नीचे करे ना। बात करें भगवंत खोबा की, बसवा कल्याण में बिदर डिस्ट्रिक्ट का पहला एमपी है जो यूनियन मिनिस्टर बना है भगवंत खोपा, उनका एक अहम रोल माना जाता है बसवा कल्याण, बिदर डिस्ट्रिक्ट में जितने टिकट बांटे जाते हैं उनसे मशवरा होता ही होगा, जाहिर सी बात है उनसे भगवंत खोपा से मशवरा लिया गया होगा, सजेशन लिया गया होगा। उनका कंसल्ट बगैर कंसल्ट होता ही नहीं है, और वो लीडर ही नहीं था, उन्होंने लीडर ही नहीं है सर, भगवंत खोपा लीडर नहीं है, उन्हें इंसानियत ही नहीं है उनके पास, खुले आम उसको यहाँ पे रोड पे अटैक करते, माँ बहन गिनते उनका, कल रैली में गले में हाथ डाला था। और गले में हाथ डाल के तो मैं उन एक ही है, और बोलता आत्मा वो तो अतृप्त आत्मा गोल्डन बसवा कल्याण ये ना गला, बसवा कल्याण जन हुशार रहा, हमारे को पूछ रहे थू बोल के गाले दे रहे लोग, उनका पास इंसानियत है ना पूछो बोल के। गाड़ी पे अटैक किया गया तो उसके बाद दोबारा हाल डाल लिया आपने, क्या है ये, क्या लगता है आपको, कहाँ आत्मा है, कहाँ अभिमान है, कहाँ स्वाभिमान है, ये राजकीय सब कुछ नहीं है, इज्जत ही नहीं है बोले तो क्या है जी। इज्जत रख लेना आदमी, इज्जत रख ले के करो। तो क्या रोल था उनका, आपको क्या लगता है, शरणु सलकर को जो टिकट मिला ये, हाथ किसका उसमें? सर वो पार्ट भारतीय किसका था, भारतीय जनता पार्टी नहीं है वो, कौन सा पार्टी, वो बाजार जंग पार्टी ऐसा है। भगवंत खोपा का क्या रोल था, क्या लगता है आपको, उनकी गाड़ी पे अटैक किया गया, वो नाराज रहे सुनने में आ रहा था, वो शरणु सलकर से बहुत नाराज हैं, उसके बाद कल की रैली में देखेंगे तो गले में हाथ डाल के फिर रहे, कुछ दलाली हुआ होगा, और पैसे होना पार्टी में कुछ नहीं है। अच्छा, कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता नहीं होना, अच्छे कुछ भी नहीं है, वहाँ पर पैसे होना। अब 40% सरकार बोलते थे सही से दिख रहा वो, हमारा सऊदी साहब डिप्टी CM थे, और जगदीश शेट्टर साहब एक CM थे, क्या तत्व सिद्धांत कानून बोलते, राम के ऊपर पैर रख के हाल डालता, सबको मालूम हो गया ओपन
उसको और टिकट मिलता। उसके बाद क्लेरिफिकेशन दिया था उन्होंने कि मेरी नीयत अच्छी थी, मैं वैसा पाँव रखाने वाली। भाई एक दो मारता हूँ आपको, मेरा नीयत ऐसा नहीं था सर, वो कन्फ्यूज से हुआ हुआ। यानी कि दो बार बाद में माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है। क्या माफ़ी मांगते जी साहब, माँ जब रोड पे सड़े रोड पे तुम स्वतंत्र विजयोत्सव कर रहे, हजारों लोगों को ठहर के सन स्वागत करो बोल के करा लेते, हम नौकर के जैसा रख लिया हमको, ये करो वो करो दबा दबा के कर, संगठन एक तरफ संघ एक तरफ इनो एक तरफ, क्या नियत है तुम्हारा पास, तुम जो क्या क्या काम दिए, कितना काम नहीं करे, बोलो हमारे ऊपर क्यों हमको ऐसा करे। आगे गुंडू रेड्डी का फ्यूचर क्या रहेगा वो पब्लिक निर्धार करते थे। क्या कोई बात हुई है आपको के पोस्ट देंगे मेलसी देंगे? देखो सर क्या रहे? हम आस विदाउट एनी कंडीशन आप ज्वाइन हुए हैं, विद कंडीशन ज्वाइन हुए? मैं आस कर रख के कहीं पे भी नहीं गया और मैं जाता भी नहीं हूँ। मेरा जो मेरे साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं के लिए सोच के उनका भी आगे कुछ भी रहता काम आगे ना, ये और ये आदमी सही नहीं है, ये हम बसों कल्याण वालों को जीना भी मुश्किल है आगे। उन और एक बार दोबारा जीता तो क्या होगा अगर शनु सलगर दोबारा जीत जाते हैं? राज अधिकार होगा, जंगल राज होगा आपका। ओ जंगल राज बिल्कुल, ऐसा बिहार में कहा जाता था बिल्कुल। ये बसों कल्याण में देखते हैं, तुम अच्छे को सपोर्ट करो, मटका बुक्की को सपोर्ट करते है, भाषण में मटका मुक्त कर तू क्या करे या क्या मटका मुक्त? आप कुछ मालूम मटका मुक्त हुआ क्या? मटका जिंदा ज्यादा हुआ। दिल्ली में थे आप अनिल भुसारे और वताड़े प्रदीप वताड़े तीन दिल्ली में थे। रूमर्स ये चल रहे हैं बसपा कल्याण में कि आपने भगवंत खोबा से मिलने की बहुत कोशिश की, आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने आपसे बात नहीं की, सच है? अब वो हमको चुपका चुपी आश्वासन कहकर दिए दिए थे आश्वासन तो? किसने दिया था? उन्होंने खुद दिया, भगवंत खोबा ने, उन्होंने दिए थे। सऊदी साहब जब CM मुंबई साहब सोमण्णा साहब पूरे घर पे आके आगे आने का दिन में आपको साथ लेके आपको स्थान मान गौरव से हम रख लेंगे। हम स्थान मान तो कभी पूछने नहीं गए और तुम लगे रहो कंटिन्यू ऐसी इधर ओमना बलगुन को इधर लगे रहो, मैं आपके साथ हूँ लास्ट तक, आपको बिल्कुल ये कराता हूँ तुम फिरो करो। मैं फिरते ही रहता था, कौन आए तो भी मैं 24/7 में पहले से पब्लिक में हूँ जी। आपने जो कांग्रेस ज्वाइन की है वो कहाँ? हमनाबाद की एक फ़ोटो वायरल हुई, राजशेखर पाटिल रहीम खान धनराज तालमपल्ली। अब लोगों का ये जहन बन रहा है बसपा कल्याण में कि गुंडू रेड्डी बसपा कल्याण छोड़कर अब हमनाबाद की तरफ रुख करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट का लीडर हूँ सर, मैं डिस्ट्रिक्ट का एक तो ज्वाइनिंग अभिमान हमनाबाद में क्यों की राजशेखर? अब वो DK साहब को बात करें, हमारा रामलिंग रेड्डी साहब को बात करें, बात कराने के बाद कल राहुल गांधी के टाइम पे ज्वाइन हो रहे हो जाओ बोल रहे थे उन्होंने। मैं बोला अभी सबको डिसाइड नहीं करे, अभी मेरे मेंबरशिप को रीज़न नहीं दिया, वो रीज़न दे के मैं आप लोग बैठ के बात करेंगे। कल का हमारे जो कार्यकर्ता रहते हैं सबको साथ में लेके अच्छे गौरव से चलना, जो भी काम रहते कार्यकर्ताओं का वो होना। अब एक अहम सवाल, गुंडू रेड्डी ने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? दो वजह हो सकती है, एक कि कांग्रेस को यहाँ जिताना है या फिर शनु सलगर को हराना है। सर हम कांग्रेस को आज मैं कांग्रेस पार्टी के मेंबर हूँ, एक छोटे कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के लिए काम करूँगा क्या BJP के लिए करूँगा? किसको हराने का नहीं, हम हमारे पार्टी को जिताना है, सामने कोई भी हो हाँ कोई भी रहते। अब जंग कैसा रहता और पहलवान कुश्ती को पकड़ते सब जीतना ही बोलते जी। हमारा ताकत थोड़ा अच्छा है गरीबों का आशीर्वाद से, टोटली जिला में तुम परिवर्तन होता नहीं, ग्राउंड है आपका इस बात में कोई शक नहीं है, जिला में परिवर्तन होता। हमारा सर्वे भी है कि गुंडू रेड्डी पीपल्स लीडर का नाम है, पार्टी लीडर का नाम नहीं, कोई पार्टी का। मैं का लीडर गुंडू रेड्डी, कभी भी मैं पार्टी का बोला क्या? सुनो आपके सोशल वर्क हमने देखे हैं, आपके जितना आप काम करते हैं हमने देखे हैं, आप BJP में रहते हुए कांग्रेस में आए तो फ्यूचर गुंडू रेड्डी का क्या होगा? आप जिता देंगे विजय सिंह जीत जाएंगे ठीक है, आप क्या करेंगे? मेरे दादा परदादा से मेरे 100 एकड़ खेत है सर। पॉलिटिकली क्या करेंगे? पॉलिटिकली मैं उसमें क्या बिजनेस करके आने, बिजनेस के लिए ले आया मैं, सेवा के लिए, कोई सेवा मिले तो सेवा करेंगे पब्लिक का, नहीं तो काम करते रहेंगे। ये करप्शन तो बंद होता ना, लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, ये जो अच्छा हम सरकार तो देते हैं ना इनको,
अब उधर लेके गए 5,000 10,000 वो सब ये कर रहा, और पब्लिक को लाने के लिए पैसे देके लाता, शुरू से लाता हूँ कल नामनेशन डालते जब महाराष्ट्र के लोग आते आलंद के गुलबर्गा के थे, कहा ये पहले से है अभी नहीं है, औरा तांबोला यहाँ की पब्लिक हर जगह का आता हूँ, उनका बाहर का ही आता है, यहाँ का कोई नहीं है, खाली थोड़ा है पेमेंट के। तो 72,000 वोट कहाँ से आया फिर, कहाँ कब बाय इलेक्शन में पैसे से, उसको देख के थोड़ा ही वोट डाले पब्लिक। अच्छा पूरे लीडर था ना इलेक्शन करते थे, परेशान थे पूरे लीडर आए सो, अरे इसको क्यों हम टिकट दिए, परेशान हो गए, ये कार्यकर्ता को दिए तो है, आने के बाद में ग्राउंड मालूम हुआ। अच्छा वो झूठ बोलते हैं, हमको झूठ बोलना नहीं आता, वो क्या भी करते नाटक, देख सांप पकड़ने का, वो गोली मारने का, ऐसा वो क्या तीन तीन सर्कस में करते ना, हम कभी सर्कस में नहीं करे। तो आप क्या कहते हैं, लीडर कभी है, जादू है, नहीं करे, शनुसल कर लीडर है, मैं तो नहीं मानता लीडर है, क्या मानते हैं फिर? नहीं वो एक बहुत बड़ा जादूगर के जैसा है शनुसल, पब्लिक को काला जादू कर देता। अब बात करेंगे अपकमिंग इलेक्शंस की, अपकमिंग इलेक्शंस की अगर बात करेंगे तो क्या लगता है आपको, जिस तरह का सिनेरियो है कल का आज का, अभी एक 20 दिन बचे हुए हैं इलेक्शन के, आज 18-17 तारीख, अभी 20-12 दिन बचे हुए हैं, 22 दिन बचे हुए हैं, क्या लगता है कितनी मजबूत है जेडीएस, कितनी मजबूत है कांग्रेस और कितनी मजबूत है बीजेपी? जेडीएस तो सब का ही नहीं है, रेस में जेडीएस है ही नहीं। हम आज का तारीख में आज का नॉमिनेशन ही मालूम होता आपको जी, क्या पब्लिक के अंदर ओपिनियन है उस पर रिजल्ट बता सकते हैं। हमारे कार्यकर्ते मजबूत है और यहाँ के जो जितने भी है असलियत मालूम हो गए, सब बीजेपी छोड़ के आने के लिए रेडी है। बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आने वाले आएंगे, अभी आएंगे, अभी बहुत आने वाले, एक दो नाम अगर आप बता सकें कौन आएंगे, बहुत आने वाले बता दे। अब मैं नाम नहीं बोलता, कल आप भी आपका सामने ही प्रेस मीट करते हो। प्रदीप बताड़े से बात हुई, वो कल बेंगलोर में थे, जेडीएस टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे, इस तरह की रूमर्स आ रहे थे, अब उन्हें टिकट तो मिला नहीं, संजय वाड़ेकर को टिकट मिला है, अभी वो डिफॉर्म मिला नहीं मिला कंफर्म नहीं है, क्या लगता प्रदीप बताड़े आएंगे? मैं नाम नहीं बोलता सर, अभी बहुत लोग हैं बीजेपी के, कोई एक नाम बता दीजिए। आने वाले आपका सामने ही आते हैं ना, आपका सामने ही आते हैं, आपका सामने ही प्रेस मीट करके रीजन करते हैं। इलेक्शन 2023 का होगा, शन्नू सलकर इलेक्शन जीत गए, क्या होगा बसों कल्याण का फ्यूचर? नहीं जीतेगा सर, नहीं जस्ट इनके अगर जीत गया तो क्या बसों कल्याण का फ्यूचर? यूपी बिहार होगा, जंगल राज हो जाएगा 100%, एक इसमें डाउट ही नहीं है। बसों कल्याण बचाने के लिए हम कांग्रेस में आए, और हम ये पार्टी का तथा तत्व सिद्धांत इधर बोलने का एक चलने का एक है, इधर बोल के करते कांग्रेस में क्योंकि मैं धर्म सिंह साहब के साथ था, उनका आशीर्वाद हमारे जिले पे बहुत है, बहुत बोले तो बहुत काम करे सोए हो, और हर एक 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 इंडिविजुअल आदमी कोई भी गेंद है, वो स्पेशली ओबीसी बैकवर्ड माइनॉरिटी के लिए पिटा के काम करा के बेचता था वो आदमी, उनका बेटा है वो, खाली बेटा बोल के यहाँ पे इलेक्शन को नहीं ठहरा, वो भी उन भी विजय सिंह साहब भी काम कर रहे हैं। बात हुई आपकी विजय सिंह से? बात हुई, लास्ट कब बात हुई थी? मेरे घर पे थे एक दो तीन दिन नीचे। क्या बात हुई? नहीं मैं ठहर हूँ, आप घर का है रिलेशन, वो घर का फैमिली का जैसा। आप गए थे ज्वाइन होने के लिए या फिर विजय सिंह ने आपको बुलाया है ज्वाइन करने? नहीं वो बुलाने गलाना बाद में हो गए, वो उन्हों कैसे कैनवेसिंग के लिए जाते हैं, वैसा एक उनका रिश्ता हमारा पुराने से, हेल्दी रिलेशन है शुरू से, पहले से उनका फैमिली में पूरा एक फैमिली मेंबर का जैसा हूँ पहले से जी। घर पे आया, घर का मामला है, आप सब साथ में रहेंगे भाई के जैसा पहले से है, अभी एकदम हमको सपोर्ट करो, जो भी ठहरने वाले कैंडिडेट हर जगह जाके हम बोल सकते जी, अपील तो करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ करेंगे, मैं सोचेंगे बोला, और सब हमारा भाइयों को कार्यकर्ताओं को फॉलोअर्स को डिस्कस करके पूछ के ये निर्धार लिया मैं। 2023 का इलेक्शन में अगर कांग्रेस जीत रही है तो क्या लगता है कितने मार्जिन से जीतेगी? जिला में तुम सोच भी नहीं सकते वैसा हालत हो जाता, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहेगा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आखिरी मरतब अगर आप जनता से कुछ कहना चाहें, एक मैसेज देना चाहें बसों कल्याण की जनता को, 22 दिन में इलेक्शन आने वाले हैं सर, करप्शन बंद होना, सब आदमी सही जीना, बसों कल्याण का हर जिले में करप्शन बंद होना, अब कहीं पे भी जा रहे तुम पैसे लेके काम कर ले रहे वो बंद होना, कुछ तो इंसानियत अगर रहना बोले तो सब हमारा साथ रह जाओ, तुम कांग्रेस को वोट डालो, 100% परिवर्तन आए हमारे जिले में, 6 को 6 कांग्रेस जीतते,
इस बार प्रभु चौहान भी स्वाइप हो जाएंगे, पूरा जीरो। बिदर साउथ में तो लग रहा है कि बीजेपी आएगी। अब रिजल्ट ही मालूम होता ना डब्बा खोलने के बाद। अभी वोटिंग तो नहीं हुआ, पब्लिक एक पैर पे है। जैसे ओबीसी तो पूरा नाराज है। मैं ओबीसी वालों को तो रिक्वेस्ट करता हूँ, बीजेपी पार्टी अपना है ही नहीं है। ओबीसी लोगों को स्क्रैप करने का मशीन है बीजेपी, कचरा बना देंगे आप कह रहे हैं। पूरा लेके हमको क्या कर रहे, पूरा लेके स्क्रैप करके छोड़ दिए। और क्या बोले एमपी साहब, हमारे जिले के बहुत बड़ा मंत्री है, क्या कहा? वो अतृप्त लोग गए तो नाराज रहे तो बसवा कल्याण के लोग, जनता हुशार है। बसवा कल्याण से जनता, बसवा कल्याण की जनता थू बोल के थूक रहे तुम्हारे ऊपर। बसवा कल्याण को खराब करे तुम ही लाके करे, तुम ही बसवा कल्याण को सुधारने लगाओ बोल के यहाँ पे हमारे सामने अपील कर रहे। बसवा कल्याण खराब करे सुधार के देव तुम्ही बोल के हम इससे पहले बहुत बोले। अब कौन खराब करे उन्हें सही करना पड़ता ना, नहीं तो उनके भी आने वाले दिन है, बहुत दिन की बात नहीं, थोड़ा दिन में हाँ आते। साहब को ग्राउंड रियलिटी कार्यकर्ताओं की कीमत नहीं मालूम। कौन सा साहब को? एमपी साहब को। अच्छा, कार्य हम जैसा बड़ो बोलो ऐसा कार्य पब्लिक का वोट लेके वैयक्तिक से वो मालूम होता कार्यकर्ता क्या है, कार्यकर्ताओं का कीमत क्या रहता। फुगट एमपी साहब मोदी साहब का नाम पे जीत रहे, उनको तकलीफ क्या है? उन्होंने तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है। मोदी लहर में जीत जाएंगे। मोदी लहर मनु मेरे को हराने वाले कोई नहीं धरती पे। एक वैसी हुआ ना एक दो बार, देखो लहर वैसे वही चलता नहीं है, चेंज हो जाता, चेंज होता, परिवर्तन आता। ऊपर बैठे वाले नीचे आना पड़ता, नीचे बैठे वाले ऊपर जाना पड़ता। एक आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का, उसके बाद इस इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। कहा जा रहा है कि शरणु सलकर इलेक्शन जीत जाती हैं। पर्सनल क्वेश्चन आपके लिए और उसका पर्सनली आंसर देंगे। शरणु सलकर इलेक्शन जीत जाएंगे तो गुंडू रेड्डी, मल्लिकार्जुन खोबा और प्रदीप बताड़े इनको बहुत परेशान करेंगे। क्या करेंगे? हमारा देश में प्रजा प्रभुत्व है, संविधान है, कानून है। ये क्या राजा लोग राजों का आड़ू क्या है? क्या राजा हुकूमतशाही है क्या? वो ये कर तो वो कर तो आप कह रहे हैं परेशान नहीं कर सकते। क्या परेशान करता मैं? हमारा क्या दो नंबर है, तीन नंबर है? उन लोगों का दो नंबर तीन नंबर है। बसवा कल्याण को परेशान करे उन लोग, बसवा कल्याण वाले कोई डरने के वाले नहीं है, कोई परेशान होने वाले भी नहीं है। आपने रैली में एक नारा दिया था, मैं वहीं पे था, रिकॉर्ड कर रहा था, वो मैंने चैनल पे डाला है। चोरों को हका लेंगे। बिल्कुल। कौन चोर है? चोरी जोर कर रहे उन चोर है। कार रोड लूट लिए, इंस्पेक्शन बिठाओ तुम ना, कितना काम करे, कितना फंड आए, क्या क्या करे, कितना लूट लिए, कितना हो गए, क्या क्वालिटी हो गए। वो चोरी तो है ना। नाम क्या है चोर का? ओ क्या बोलते आप, सबको मालूम है कौन चोर है बोल के। जो अधिकार में है वही चोर रहता, और दूसरे कौन रहते? ये बिजनेस के लिए नहीं आना, राज्य की सेवा कर लेने के लिए आना, गरीबों का आंखें पहुंचाने का काम करना। उन्होंने बोलता परसों एक बैठ में देखा, मेरे पास आए वाले सब एक भूखा नहीं बेचता, चावल दाल खिला के बेचता हूँ। को किसके घर में चावल दाल नहीं है? बसवा कल्याण में है। क्या समझ ले रहे तुम बसवा कल्याण वालों को? बिकने वाले नहीं है बसवा कल्याण के, थोड़ा बहुत होंगे, बुरे बिकने वाले नहीं है, बकरी मुर्गा नहीं है। क्या आस लगा रहे, कितना दे रहे, कितना दिन दे रहे, और उन जीते तो कहाँ से लाता? और है ही निकलना, थोड़ी लगाना इधर ऑफिसरों के पास, वो काम लुटाना, ये वही होता ना, हफ्ता वसूली आप कह रहे हो, वही होता, कहाँ से लाता बोलो? हम लोग जागृत होना, बीवी तहसीलदार है उनकी, रहे तो भी, और वहाँ से लूट के इधर देना, वो किसका? अच्छा। लूटना और गरीबों का लूटना वो भी। अच्छा, लुटेरों का फैक्ट्री बन गई बीजेपी। हम बचना जीना बोले तो सब ये टाइम में कांग्रेस को वोट डालते हैं और तय कर दिए पूरे लोग। ये टाइम ईडी टोटल जिला में एक नया इतिहास बनता, नया इतिहास बनेगा। आप कह रहे हैं बसवा कल्याण या पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी स्वाइप हो जाएगी पूरी तरह से? डिस्ट्रिक्ट में नहीं, राज्य में देखो तुम, पूरे राज्य में पूरा परिवर्तन आ रहा है।
ठीक है, ये थे जनाब गुंडू रेड्डी साहब, जो बिदर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ी आवाज़, कर्नाटक में एक बहुत खद्दावर लीडर माने जाते हैं, बेबाक अंदाज में बात करते हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, आवाम की आवाज़।